नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर के विलोबी मैदान में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग योजनाओं के तहत श्रमिकों को योजनाओं का पहुंचाया लाभ। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की साइकिल को वितरित कर हरी झंडी देकर किया रवाना। आपको बताते चले कि श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज लखीमपुर के विलोबी मैदान में श्रमिकों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया, जिसमें 3,844 श्रमिकों को योजना के अंतर्गत 2,21,00,000 के सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। योजनाओं के तहत श्रमिकों की 111 बच्चियों की शादी के लिए 17,05,000 रुपए का कुल खर्चा उनके खाते में जाएगा। चिकित्सा सुविधा योजना के तहत 3,072 लाभार्थियों खाते में 39,16,000 का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल भी वितरित की और हरी झंडी देकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी गोला विधायक अरविंद गिरी और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे। देखिए, आवश्यकता के अनुसार यानी मांग के अनुरूप हमेशा कीमतें बढ़ती रहती हैं, और क्योंकि तेल या पेट्रोल ये हमारे देश में नहीं पैदा होता, विश्व मार्केट में इसके मूल्य निर्धारित होते हैं और यहाँ आने पर जो मिनिमम लागत होती है हम वही लेते हैं। ये लाभ कमाने के लिए हमारा योजना नहीं है, ये जनहित में लोगों को पेट्रोल तेल मुहैया कराने के लिए जो न्यूनतम खर्च तेल पैदा होने वाले क्षेत्रों से यहाँ तक आने में लगता है, उसी के अनुरूप यदि कुछ आंशिक कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती है तो उसके अनुरूप बढ़ती है। बीसीएन न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। मथुरा कोतवाली वृंदावन क्षेत्र की श्यामा श्याम धाम कॉलोनी में एक निर्माणधीन मकान में खुले पड़े पानी के टैंक में खेलते समय दो मासूम गिर गए। घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो बच्चे को बाहर निकाला और आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक परिक्रमा मार्ग से सिटी श्यामा श्याम धाम कॉलोनी में रविवार की देर शाम कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते समय 10 वर्षीय कार्तिक पुत्र रमाकांत पांडे और 5 वर्षीय ऋषभ पुत्र राजू एक निर्माणधीन मकान में चले गए। मकान के अंदर अंधेरा होने के कारण दोनों बच्चे अंदर बने करीब 15 फीट गहरे पानी के टैंक में गिर गए और डूब गए। साथ खेल रहे बच्चों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ ही दोनों बच्चों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। कड़ी मशक्कत के बाद गहरे टैंक से दोनों बच्चों को गंभीर हालत में बाहर निकाल कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां ऋषभ की हालत खतरे से बाहर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन दूसरे बच्चे कार्तिक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में FSO संजय जायसवाल ने बताया कि एक निर्माणधीन मकान के अंदर पानी का गहरा टैंक बना हुआ है, जिसमें खेलते समय दो बच्चे डूब गए। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। सरकार जहां एक तरफ गरीबों के लिए तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाकर गरीबों को लाभ देने का काम कर रही है, ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते किसी की मौत हो जाए तो ऐसे में सरकार और सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े करता है। हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े जिला लखीमपुर खीरी की, जहां सरकार द्वारा योजनाएं तो चलाई जा रही है लेकिन योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते आर्थिक तंगी से कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला जिले के कस्बा खीरी के मोहल्ला हनिया टोला से निकल कर आया है, जहाँ एक परिवार आर्थिक तंगी की मार झेलते झेलते परिवार की एक बेटी ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि ये परिवार कई सालों से आर्थिक तंगी की मार झेल रहा था और इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था, जिसके चलते आज उसकी लगभग 12 वर्षीय रागिनी के ठंड लगने से मौत हो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं। मृतक बेटी का पिता विकलांग है और अपनी झोपड़पट्टी पर रहता है। आवास के लिए कई बार आवेदन भी कर चुका था पर भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उसे आवास मुहैया नहीं हो पाया। कड़ाके की ठंड, खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को परिवार मजबूर था।
ये आवास नहीं हमारी है, ये आवास होती तो यह बिटिया हमारी का है जाती, ये लंगड़ा लूला दमी के रे राय कमाने वाला कोई नहीं रहा है भैया। सर ये एक तो गरीबी हालत में है, बहुत ज़्यादा गरीब है, और दूसरे इन्होंने आवास के लिए डाला था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब इनकी ये मड़िया पड़ी थी, छपरा था टूटा फूटा, तो बारिश हुई तो भीग गई थी, तो इनको टीन हम लोगों ने दे दिया था दान में, हम लोगों ने डलवाया था टीन कि टीन में रहो, और फिर इनसे कहा गया था भाई 14 परिवार है अपने घर में भी कोई सब नहीं कर सकता था। आज आर्थिक तंगी के चलते रागिनी की मौत होने पर सरकार और सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। BCN न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का बहिष्कार किया गया। फिरोजाबाद में 14 फरवरी 2021 को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सौजन्य से पुलवामा शहीदों को याद किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कवियों के द्वारा कवि सम्मेलन किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मयंक भटनागर और मुख्य अतिथि मनीष असीजा रहे। कार्यक्रम में शहर के सभी गणमान्य स्कूल संचालक मौजूद रहे। आज 14 फरवरी है और हम सभी लोग जानते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और वहां पर हमने अपने 42 जवानों जो हमारे शहीद हो गए थे, जो वीर शहीद हुए थे, उनको आज ये कहीं ना कहीं उनको एक नमन है हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फिरोजाबाद की तरफ से, और उसी के लिए आज हमने इस कार्यक्रम का यहाँ किड्स कॉर्नर में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं मिस्टर मयंक भटनागर से, उनके द्वारा आज यहाँ पे एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और मुख्य रूप से उसका उद्देश्य यही है कि मोस्टली हम लोग 14 फरवरी को ज़्यादा वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं जो पुलवामा में हुआ और जिस प्रकार से वहाँ पे हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, और तब से लेके अब तक हम इसे शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं, और आगे भी सभी से मेरा यही अनुरोध है कि इस दिन को जो है हम सभी को एक साथ आके शहीद दिवस के रूप में ही हम इसे मनाने का प्रयास करें। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मोनू जैन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में कबूतर मंडी, मंसूरी कब्रिस्तान, हाजीपुरा में आग लगने से एक दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई, जिससे लोगों को नुकसान हुआ। फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष व करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमत उल्ला खान और जमियात उमेला हिंद हाफिज मौलाना मुफ्ती ने आग से तबाह हुए गरीब दुकानदारों से मुलाकात करके उनका हालचाल लिया तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर जमियात उल्मा के पदाधिकारी व COCT हरिमोहन सिंह, इंस्पेक्टर रसूलपुर फतेह बहादुर सिंह पहुंचे। COCT हरिमोहन सिंह ने कहा कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे और शासन को भी लिख कर भेजेंगे। मौलाना फारूक साहब कारी नईम सिद्दीकी मौलाना अमीर अख्तर ने कहा कि हमने जमियात के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को इस अग्निकांड के बारे में अवगत कर दिया है, जो भी मदद संभव होगी वह मदद। करबला कमेटी के अध्यक्ष सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष हिकमत उल्ला खान ने कहा कि कबूतर मंडी में जो यह गरीब दुकानदार अपना रोज सामान लेकर बेचा करते थे और शाम को जाकर अपने बच्चों का पेट पाला करते थे, आज उनके सामने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए और रोजगार करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। मैं शासन और प्रशासन से यह अपील करूंगा कि देवी आपदा में जो भी शासन मदद कर सकता है उनकी तुरंत मदद की जाए, और शासन से यह मांग करूंगा कि हर गरीब दुकानदार को शासन की तरफ से मुआवजा राशि दी जाए, और सामाजिक संगठन, उद्योगपति और समाज के लोग सामने आकर इन गरीब दुकानदारों की मदद के लिए सामने आए, जिससे यह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये कबूतर मंडी में 11 बजे 12 की रात में आग लग गई थी, जिसमें काफ़ी दुकानें जल गई थी, कुछ पक्षी भी जल गए थे, इसमें काफ़ी नुकसान इन लोगों का हुआ है। तो ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं और इनकी मांग है कि हमें थोड़ा सा सरकार से भी राहत मिलनी चाहिए। लोग अपने पटरा और छोटे से खोखों में अपना कारोबार चलाते थे, कल सुबह तड़के यहाँ पर अचानक आग लग गई, जिससे कि यहाँ करीब एक दर्जन दुकानें जलकर बिल्कुल सुहा। यहाँ मुर्गे की, चाय की, टॉफ़ी की, बिस्कुट की दुकान चला के लोग अपने रोजी रोजगार चलाते थे, अपने घर परिवार का पेट का पालन करते थे। आज ये बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। यहाँ जमीयत उलमा हिंद के सारे पदाधिकारी और लोग यहाँ आए हैं
और शहर के उलमा भी आए हैं जो कि यहाँ जायज़ा लिया है। यहाँ इसमें यहाँ के सीओ सदर अली जनाब श्री मोहन सिंह जी, इंस्पेक्टर रसूलपुर अली जनाब फतेह बहादुर जी यहाँ आए और उलमाओं को और यहाँ सबके बीच में ये आश्वासन दिया है कि हर संभव अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ में शहर के हाफिज मौलाना, इमाम मुफ्ती, अनेक उलमा और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। साथ में मौलाना फारूक साहब, जमियात उलेमा हिंद के महासचिव कारी नईम सिद्दीकी, शहर सदर मौलाना अमीर अख्तर, मुफ्ती फारूक हाफिज सूफियाना सिद्दीकी, हाफिज जाहिद मौलाना, कासिम नाफिज हाफिज सऊद मौलाना, गयास हाफिज शादाब हाफिज, अनुस मुद्दसर खान, बबलू खान आदि मौजूद रहे। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मोनू जैन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।